नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी लोकसभा 2024 के चुनाव होने जा रहा है और भोजपुरी के हमारे बड़े भैया पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा सीट का अभी तय तो नाम नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के अंदर से ये भी खबर है कि पवन सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह का भी मूड बन गया है, और इस बार तो बहुत बड़ा बड़ा ऐसे चीज़ हुआ है जो कि बताने आपको बहुत ही ज़रूरी था। पहला ये चीज़ था कि राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि पहले अपने परिवार गठित कीजिए। उसके बाद पवन सिंह ने निर्णय लिया कि अपने पति जो ज्योति सिंह को, पत्नी ज्योति सिंह को जो तलाक दिए थे, वो अब तलाक नहीं होगा, अब एक साथ रहेंगे। ये जब जनता के बीच में गया तो जनता बहुत ज़्यादा पवन सिंह पर खुश हो गए। ना कोई सवाल के लिए, ना कोई जवाब, बस इतना ही कि बस पवन भैया और ज्योति भाभी एक साथ रहें। उतना मुड़न के बाद, आने के बाद, मिलन के बाद जब आया था और एक मुद्दा उठा कि आज ज्योति जी भी चुनाव प्रचार करने जाएंगी, तो उनका मैनेजर दीपक सिंह ने कहा है कि महिलाओं के बीच में तो ज्योति सिंह जाएगी, पुरुषों के बीच में पवन सिंह खुद अपने चुनाव प्रचार करेंगे। हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो वहां से रैली शुरू होगी जहां ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ है, गाड़ी पर गोड़ लगते और जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। और ये पुख्ता खबर है। अगर आपको लगता है तो आप झूठ मत मानिएगा, यह हकीकत है कि लोकसभा चुनाव में दोनों लोग एक साथ नजर आएंगे। ऐसे आप लोगों के क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, नमस्कार।